हेलो एवरीवन, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3, चैप्टर लाइंस एंड एंगल, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कम्स इन द एग्जाम, सो सी इट केयरफुली. सो दिस फिगर आई एम ड्रॉइंग, ड्रॉ इट विद मी दिस वे एंड दिस. This is point P, this is point Q, this is point R, this is point S, and this is point T. Now, this QT is the bisector of angle PQR. ये जो QT है वो angle PQR का bisector है, और ये जो TR है या RT जिसे बोलेंगे वो angle PRS का bisector है, right? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अप टू पॉइंट एस. क्यू आर साइड को किस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, एस पॉइंट तक. इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है और पी आर एस का बाइसेक्टर है, वो आपस में किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, टी पॉइंट पर. तो क्या प्रूव क्या करना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी आर टू प्रूव दैट, वी आर टू प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, राइट. अब इस क्वेश्चन में आपने मेनली ये याद रखना है कि इसमें दो बार एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी दोनों ही ट्राइंगल्स में. एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और दूसरी ट्राइंगल है क्यू टी आर. तो मैं सबसे पहले क्यू टी आर में अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल क्यू टी आर. तो अगर क्यू टी आर में एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो टी आर एस जो है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, टी आर एस. तो आपने पढ़ा था 7th क्लास में दैट इन अ ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो टी आर एस जो है वो किसके बराबर होगा, टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, और इसको आप इक्वेशन नंबर दे दोगे 1, राइट. अब बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल पी क्यू आर. अब आप पी क्यू आर में अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो पी आर एस एंगल जो है, एंगल पी आर एस इट इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, राइट. अब पी आर एस का बाइसेक्टर आपको आर टी दे रखा है, तो आप क्या करो दोनों तरफ जो है वो हाफ कर दो, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इसका भी हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर. अब पी आर एस, पी आर एस का हाफ पी आर टी भी हो सकता है, टी आर एस भी हो सकता है. आपने टी आर एस लेना है जो बिलो है, बिलो वाला एंगल लेना है आपने, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर. इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको बिल्कुल वैसे ही रहने देना है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर. अब पी क्यू आर का हाफ पी क्यू टी भी हो सकता है, टी क्यू आर भी. तो मैंने जैसे पहले बोला नीचे वाला एंगल लेना है, तो आप इसको टी क्यू आर ले लो, टी क्यू आर, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो. अब अगर आप ध्यान से 1 और 2 को देखो तो इधर भी टी आर एस है, इधर भी टी आर एस है, यानी लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो.
इक्वेटिंग वन एंड टू। क्यों इक्वेट किया? क्योंकि लेफ्ट साइड में जो भी चीज है वो सेम है। अब आप क्या करो, इसको लिखो एंगल टी क्यू आर जो राइट साइड में है प्लस एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो अब आप ऑब्जर्व करो दोनों तरफ कोई चीज सेम है, टी क्यू आर इधर भी है और टी क्यू आर इधर भी है, उसको कैंसिल कर दो आमने सामने, तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू वन बाय टू ऑफ एंगल क्यू पी आर, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे याद रखना है कि इस क्वेश्चन में दो बार एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की गई, राइट, और उसके बाद इक्वेट किया गया। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू वांट दैट आई शुड पोस्ट मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिफरेंट चैप्टर्स, डू एक्सप्रेस योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक ऑफ द चैनल with maximum students who can get benefited by this. Thank you.